हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास सिक्स के मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर सिक्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सिक्स हमारा डेसिमल्स का चैप्टर है। चैप्टर सिक्स में हम डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेसिमल में हम डेसिमल फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखेंगे। हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम आज चैप्टर सिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स चैप्टर सिक्स डेसिमल। आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 6.4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। देखिए हमें रुपीस दिए हुए हैं, उनको डेसिमल में यूज़ करना है। तो देखिए डेसिमल में कैसे करेंगे। देखिए 1 रुपीस और 50 पैसे। तो देखिए 1 रुपी 50 पैसे, तो हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो ये रुपीस में तो है ही, आपको पता है 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। और 1 पैसे में रुपीस, 1 पैसे में 1/100 रुपीस होते हैं। तो देखिए वन रुपीज़ में 100 पैसे, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़। अब देखिए 1 रुपीज़ 50 पैसे दिया हुआ है, तो देखिए 1 रुपीज़ का 1 रुपीज़ रहेगा। अब देखिए 50 पैसे को कैसे निकालेंगे, 50/100 रुपीज़ बन गए ना। तो अब देखिए 1.50 हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए 1, 2, यहाँ 2 है तो हम सेम न्यूमरेटर को उतार लेंगे। और देखिए डेसिमल लगा देंगे हम, 20 है तो लास्ट 2 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 रुपीज़ 50 पैसे। हमारा आंसर आ जाएगा 1 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 45 रुपीज़ और 50 पैसे। तो देखिए ये तो रुपीज़ में ही है ही, अब 45 रुपीज़, अब देखिए 50 पैसे दिए हुए हैं, तो 50 पैसे को हम किस में चेंज कर देंगे, रुपीज़ में। तो देखिए अब 45 पॉइंट, ये देखिए 50/100 है, तो 45 पॉइंट क्या आ जाएगा, 50 रुपीज़। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया इनको, और डेसिमल का भी यूज़ कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 60 रुपीज़ 50 पैसे। तो देखिए रुपीज़ तो है ही रुपीज़ में, अब देखिए पैसे दिए हुए हैं, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रुपीज़ में। तो 50/100 रुपीज़, देखिए 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ होते हैं। तो अब 60.50 क्या आ जाएगा, रुपीज़। ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ, 50 रुपीज़ 50 पैसे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए 1 रुपीज़ में 100 पैसे, 1 पैसे में 1/100 रुपीज़। तो देखिए 50 रुपीज़ तो सेम रहेगा, और 50/100 रुपीज़, अब देखिए इसको चेंज कर देंगे डेसिमल में, 50 रुपीज़ 50 पैसे। तो यानी कि इसको हमने रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। देखिए हमें क्या कर दिया हुआ है, मीटर्स में एक्सप्रेस करना है और हमें डेसिमल का यूज़ करना है। तो देखिए 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। अब देखिए 30 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30/100, इसको चेंज कर दीजिए। देखिए देखिए इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 0.30 मीटर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, 30 सेंटीमीटर में 30/100 इज इक्वल टू 0.30 मीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। अब देखिए 150 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 150/100, तो देखिए 1.50 मीटर, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो देखिए 20 नीचे, तो लास्ट में 2 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल।
तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.15 मीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ थर्ड में 12 सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो देखिए 12 सेंटीमीटर में 12/100 मीटर, तो अब देखिए इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.12 मीटर, ये हमने डेसिमल में चेंज कर दिया इसको, तो ये क्या आ गया 0.12 मीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 685 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 685 सेंटीमीटर में 685 / 100, तो देखिए अब इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे 6.85 मीटर आ जाएगा हमारा। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर में 5/100 मीटर, तो देखिए अब यहाँ 5 उतार लेंगे, देखिए 1 2, तो 2 डिजिट है, तो 1 2, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.05 मीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। अब देखिए 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 325 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 16 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, 16 मीटर में 1600 सेंटीमीटर, अब 15 सेंटीमीटर को हम ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर 1615 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 29 मीटर 5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट पार्ट में देखिए 29 मीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 29 मीटर में 29 × 100, तो यानी कि 2900 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को ही ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2905 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें मीटर्स में चेंज करना था और डेसिमल का यूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। देखिए हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है इसको और डेसिमल भी यूज़ करने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 9 मिलीमीटर, तो हमें क्या करना है 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 1/10 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मिलीमीटर में कितने होंगे 9/10 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम डेसिमल में चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 12 मिलीमीटर, तो देखिए 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, तो 12 मिलीमीटर में 12/10 सेंटीमीटर, अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा 1.2 सेंटीमीटर। ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 176 मिलीमीटर, देखिए 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, 176 मिलीमीटर में 176/100 सेंटीमीटर, इसको हम देखिए 1/100 नहीं आएगा, 176/10 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे 117.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, देखिए इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे हम, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, 35 मिलीमीटर में 35/10 सेंटीमीटर, तो 35/10 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर,
9 सेंटीमीटर में 90 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 95 मिलीमीटर। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर और 35 सेंटीमीटर में 35 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 350 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर को हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 358 मिलीमीटर। ये था हमारा सिक्स पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 250 मिलीमीटर को हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। देखिए 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10 सेंटीमीटर। 250 मिलीमीटर में 250/10 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 21 मिलीमीटर। देखिए 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, तो 21 मिलीमीटर में 21/10 सेंटीमीटर तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। देखिए हमें किलोमीटर में चेंज करना है और डेसिमल का यूज़ करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 19 मीटर। देखिए पहले हमें ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में किलोमीटर 1/1000 किलोमीटर। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 19 मीटर, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 19 मीटर में 19/1000। तो देखिए इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, 19 का 19 उतार लीजिए, देखिए 3 जीरो है तो लास्ट में 3 डिजिट से पहले क्या आएगा डेसिमल। तो देखिए 1 2 एक नहीं है तो हम डेसिमल लगा लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा डेसिमल 019 किलोमीटर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 28 मीटर। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 28 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 28 मीटर दिया हुआ है, 28 मीटर में 28/1000 किलोमीटर। तो देखिए 28/1000 दिया हुआ है, इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे। देखिए 1 2 3 तो 3 जीरो है तो हम सेम पहले न्यूमरेटर को उतार लेंगे, देखिए 1 2 3 तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.028 किलोमीटर। ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 686 मीटर। देखिए 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 686 मीटर में 686/1000 किलोमीटर। अब देखिए इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, देखिए 686 उतार लीजिए पहले जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, अब देखिए 3 जीरो है तो 1 2 3 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.686 किलोमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 75 किलोमीटर 6 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, हमें मीटर में चेंज करना है तो हम देखिए 1 मीटर में निकाल लेंगे। देखिए 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो देखिए ये किलोमीटर दिया हुआ है, पहले हम इसको किलोमीटर में ही रखेंगे और मीटर को चेंज करना है, तो 75 किलोमीटर प्लस 6/1000। देखिए 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, 6 मीटर में 6/1000 मीटर, अब इसको चेंज कर दीजिए तो हमारा आंसर क्या आएगा 75.006 किलोमीटर। देखिए 1 2 3 तो 1 2 3 तो डेसिमल आ गया, डेसिमल लास्ट 3 डिजिट से पहले क्या आएगा डेसिमल, क्योंकि 3 जीरो है तो हमारा आंसर क्या आएगा 75.006 किलोमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 8282 मीटर। आपको पता है 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो 8282
मीटर में कितने होंगे, डिवाइड में 1000, किलोमीटर निकालने के लिए। अब देखिए पहले सेम न्यूमरेटर को उतार लीजिए, देखिए 30 है, 1, 2, 3, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8.282 किलोमीटर। ये हमने किलोमीटर में इसको चेंज कर दिया और डेसिमल में भी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 7537 मीटर। तो देखिए 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 7537 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 7537 डिवाइड में 1000। अब देखिए इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, 30 है तो लास्ट 3 डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे डेसिमल, देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7.537 किलोमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 88 मीटर, 1 मीटर में 1/1000 मीटर किलोमीटर, तो 88 मीटर में 88/1000 किलोमीटर। तो देखिए अब डेसिमल में चेंज कर देंगे, 1, 2, 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.088 किलोमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 90 किलोमीटर 5 मीटर। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो देखिए हमें तो मीटर किलोमीटर में ही चेंज करना है, तो हम किलोमीटर को तो किलोमीटर में ही रखेंगे, इसको चेंज कर देंगे, देखिए 5.1000 किलोमीटर हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा, 90.005 किलोमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें किलोमीटर में चेंज करना था, डेसिमल का यूज़ करना था, वो जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस एज किलोग्राम्स यूजिंग डेसिमल। देखिए हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में डेसिमल का यूज़ करना है। तो देखिए 8 ग्राम दिया हुआ है, तो देखिए 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1 ग्राम में 1/1000 केजी होते हैं। तो देखिए अब 8 ग्राम में कितने होंगे, 8 ग्राम इज इक्वल टू 8/1000 केजी। अब देखिए इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, देखिए पहले 8 को उतार लीजिए, देखिए 1, 2, 3, 3 जीरो, तो डेसिमल के पहले कितने जीरो, डेसिमल 3 डिजिट से, लास्ट के 3 डिजिट से पहले आना चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 0.008 केजी। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 125 ग्राम, 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1 ग्राम में 1/1000 केजी। तो 125 ग्राम में 125 डिवाइड में 1000, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो हम क्या डेसिमल लगा देंगे इधर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.125 केजी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3456 ग्राम को केजी में चेंज करना है, तो 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1/1000 केजी। अब देखिए 1 ग्राम में 1/1000 केजी है, तो 3456 ग्राम में 3456 डिवाइड में 1000 केजी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3.456 केजी। ये था हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया 4 kg 800 ग्राम, तो देखिए केजी की तो केजी ही रहेंगे, 4 kg का 4 kg। अब देखिए 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1/1000 केजी, तो 800 ग्राम में 800/1000 केजी। अब देखिए 4.800/1000 को हम चेंज करेंगे केजी में, तो क्या आएगा, 4.800 केजी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4.800 केजी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 46 kg 40 ग्राम, तो देखिए 46 kg का 46 kg में चेंज करना है, तो केजी में रहेगा। अब ग्राम को केजी में चेंज करना है, 1 ग्राम में 1/1000 केजी, तो 40 ग्राम में 40/1000 केजी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 46.040 केजी। देखिए 40/1000 को हम चेंज करेंगे डेसिमल में, तो क्या आएगा, 0.040, 46 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 46.040 केजी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 100 ग्राम को चेंज करना है, देखिए 1 ग्राम में
वन अपॉन थाउजेंड के जी। हंड्रेड ग्राम में हंड्रेड अपॉन थाउजेंड के जी। तो देखें इसको चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या है, ज़ीरो पॉइंट, देखिए हंड्रेड ग्राम है तो हंड्रेड ग्राम में वन अपॉन, देखिए वन ग्राम में वन अपॉन थाउजेंड के जी, तो हंड्रेड ग्राम में ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो के जी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो के जी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है फोर के जी एट ग्राम। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए वन के जी में थाउजेंड ग्राम, लेकिन हमें के जी को तो चेंज करना ही नहीं। तो अब देखिए वन ग्राम में वन अपॉन थाउजेंड के जी, तो देखिए एट ग्राम में कितने हो जाएंगे, एट अपॉन थाउजेंड के जी। तो अब देखिए इसमें फोर के जी को भी ऐड करना है, तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, फोर पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट के जी। इसको एट अपॉन थाउजेंड को चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फोर पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट के जी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में दिया 126 ग्राम। तो देखिए 1 ग्राम में 1 अपॉन 1000 केजी, 126 ग्राम में 126 अपॉन 1000 केजी। तो इसको हम चेंज करेंगे ग्राम में तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.126 केजी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।